माई सेल्फ डॉक्टर मंजू मीना, MS गर्ल्स कॉलेज बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मार्क्स की द्वंद्ववाद के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, और उसमें मैंने द्वंद्ववाद का अर्थ और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है इसके बारे में बताया, इसकी विशेषताएं मैंने आप लोगों को बताई। आज अपने लेंगे द्वंद्वात्मक विकास के नियम। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार विकास जो है कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होता है, और इसके नियम जो हैं इस प्रकार हैं, मार्क्स ऐसा मान करके चलता है। तो पहला जो नियम उन्होंने बताया है वह है विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। इसका तात्पर्य यह है कि विकास आंतरिक विरोध से संचालित होता है। जब तक विरोधी तत्व जो है संतुलित रहते हैं तब तक परिवर्तन नहीं होता है, किंतु जब एक तत्व प्रबल हो जाता है तो फिर परिवर्तन जो है वो आरंभ हो जाता है। और इसको विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक एकता में परस्पर विरोधी तत्व जो है वो पाए जाते हैं। और इसमें हम चुंबक का जो है उदाहरण ले सकते हैं कि एक चुंबक के जो है दो सिरे होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, और ये सिरे यद्यपि एक दूसरे के विरोधी और स्पष्टतः एक दूसरे के भिन्न होते हैं, परंतु भिन्न होते हुए भी, पृथक और अलग अलग होते हुए भी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में वो नहीं रह सकते हैं। यदि चुंबक को हम ठीक दो हिस्सों में काट दें, बांट दें, तो उसके एक हिस्से में उत्तरी ध्रुव और दूसरे हिस्से में केवल दक्षिणी ध्रुव हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और यही बात जो है मार्क्स ने जो है समाज के संबंध में कही है कि श्रमिक और पूंजीपति दोनों एक दूसरे से विपरीत नेचर वाले हैं, चरित्र वाले हैं, फिर भी एकताबद्ध पूंजीवादी समाज का वह निर्माण करते हैं। दूसरा जो नियम मार्क्स ने बताया है वह है परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतरण का नियम जो है, ये इसका दूसरा नियम है। और इसमें मार्क्स ये बताता है कि मात्रा में भारी अंतर होने से गुण में भी अंतर हो जाता है। जैसे कि पानी को हम एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाती है, और एक निश्चित तापक्रम, मतलब ये तापक्रम उसका एक निश्चित सीमा पर कम करने से वो जम जाता है। तो इस प्रकार मात्रा में जब भारी अंतर होता है तो उसके गुण में भी परिवर्तन हो जाता है। तो यही बात जो है मार्क्स जो है समाज के संबंध में भी बताने की कोशिश जो है कर रहा है। और वो ये कहता है कि क्रांति की स्वाभाविकता को सिद्ध करने के लिए इस सिद्धांत का जो है प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो नियम मार्क्स ने बताया है वह है निषेध के निषेध का नियम भौतिक जगत के विकास में यद्यपि आमतौर पर जो है प्रयोग किया जाता है कि पुरानी चीज के नई में बदल जाने से उसका निषेध हो जाता है। तो निषेध के निषेध का नियम ये सिद्ध करता है कि विरोधी शक्तियों के टकराव से मूल चीज का निषेध हो जाता है और एक नई चीज जो है पैदा होती है जो कि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और उससे कहीं अधिक उन्नत जो है वह होती है। और इन नियमों में भी प्रथम विरोधी भावों के सामंजस्य का नियम है जो ये बताता है कि आंतरिक विरोध द्वारा परिवर्तन की क्रिया किस प्रकार से संचालित होती है। और दूसरा नियम आंतरिक विरोध का नियम है जिसके द्वारा हमें ये बताया जाता है कि मात्रा परिवर्तन से गुण परिवर्तन कैसे होता है। और तीसरा नियम हमें विकास की एक क्रिया के सोपान और उसका पारस्परिक संबंध जो है वह बताता है, और इसे हम निषेध के निषेध वाला नियम जो है वह कहते हैं। धन्यवाद।